इस वक्त हमारे साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी। विश्वास जी, मध्य प्रदेश भोपाल में लॉकडाउन लगा है और भोपाल के जनप्रतिनिधि हैं, एक तो किस तरह की अपील करेंगे और आप क्या इसको मानते हैं, 10 दिन का लॉकडाउन एक बेहतर विकल्प है? निश्चित रूप से जिस प्रकार से संक्रमण फैल रहा है उसकी चेन तोड़ने के लिए जरूरी है कि हम लॉकडाउन लगाएं, और सरकार ने पूरे विचार विमर्श के साथ सभी लोगों से बातचीत करके ही ये लॉकडाउन का निर्णय लिया है। भोपाल की आम जनता की जान बचाने के लिए यह कदम लिया गया है और इसमें सार्वजनिक रूप से निकलने पर पाबंदी रहेगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लासेस, हॉस्टल, मॉल, सिनेमा घर, ये सब बंद रहेंगे। PDS जो राशन की दुकान है सरकार की, वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुली रहेंगी। दूध पार्लर भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुले रहेंगे। सब्जी को लेकर नगर निगम और जिला प्रशासन अपनी एडवाइजरी निकालेगा। दवाई की दुकानें खुली रहेंगी, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, और मुझे उम्मीद है कि भोपाल की जनता साथ देगी, क्योंकि 2-3 हफ्तों से जो संडे का लॉकडाउन है वो भोपाल में बहुत सफल रहा है। इस बीच में 2 बड़े त्यौहार आ रहे हैं, ईद और रक्षाबंधन। आज दिन भर सभी धर्म के लोगों से बातचीत हुई और ये निश्चित किया गया है कि कोई भी त्यौहार सार्वजनिक रूप से नहीं मनाया जाएगा, भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। मुस्लिम समाज का डेलीगेशन शहर काजी जी के नेतृत्व में मिला था और उनके साथ बातचीत करके ये निश्चित हुआ है कि सार्वजनिक रूप से कुर्बानी नहीं होगी, निजी अपने संपत्ति में और घरों में ही कुर्बानी होगी, और वो उसमें भी 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। जो भी सरकार की लॉकडाउन से जुड़ी हुई एडवाइजरी है उसका पालन पूरी तरह से सभी धर्म के लोग करेंगे। रक्षाबंधन का कार्यक्रम भी घर के अंदर ही लोग मनाएंगे। लेकिन आरिफ मसूद विधायक है, वही कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों को विश्वास में नहीं लिया गया। आरिफ मसूद जी से भी बात हो गई है, उनसे बात होकर ही बातचीत हो गई, वो भी इस बात से सहमत है। आप बात कर सकते हैं। निश्चित रूप से विश्वास सारंग कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों से बात हो गई है और जो शहर के प्रबुद्ध वर्ग है और जो धार्मिक नेता हैं उनसे भी बातचीत हो गई है, तो निश्चित रूप से बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है उस हिसाब से लॉकडाउन बेहद जरूरी था और सरकार ने फैसला लिया है। कैमरामैन भरत मुंदेला के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।